child pass, we can curry. I'm doing it for you. For you. So that is ready. Fish. Yes. Ani. Yeah. अरे इधर आओ ना परेश भाई, खुशी किसका नमस्ते नमस्ते हुआ, ड्रेस देखा उनका, एक दूसरे को देखा, एक्शन। सीमा ने बोला कि इस बार दरअसल इस साल हम लोग और इतने में आवाज हर साल की तरह बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और ये देखिए एक्शन। समझने वाली बात है भाई, मैं सुहागन नहीं रही तो क्या हुआ, मेरी जिज्जी तो है भाई। इन्हें ना सुहागनों वाले त्योहार मनाने का बड़ा शौक है, अब बड़ी है तो मना भी तो नहीं कर सकते। तो आप लोग जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दीजिए। हैं चंपा चमेली, जाओ जाके कपड़े पहनकर आओ बढ़िया से। हाँ मौसी जी, और वैसे भी ना समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा, तो हम ना जल्दी जल्दी सारा काम कर लेंगे और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ये तो समझने वाली बात है। हा? चले आई ना माया, तू भी आ जाओ। और ये कह के ऐसे कहते हैं कि स्पीच जो होता है औरतों के लिए बेकार होता है, औरत अपने पति के लिए काफी मनोकामना करते हैं, काफी अच्छा हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मुझे मेरे मालिक राय बहादुर राजवीर सिंह ने कहा है कि इन लोगों पे नजर रखें। मैं अभी सिद्धांत बन चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कहते हैं ना घर का बेबी लंका ढाई, तो अभी मैं उनका रिकॉल राय बहादुर और मौसी जी के घर का बेदी बनने वाला हूँ, और उनकी लंका ढाने के प्लान के चक्कर में हमें यहाँ रखा गया। इसी के बीचों बीच कुछ एक बहुत ही प्यारा व्हाट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू रोली सिद्धांत सीन हो रहा है, जिसमें रोली और सिद्धांत तीज के दिन आँख में टक्का चालू है दोनों का, वो दोनों वहाँ से भागते हैं, रूम में एक सीन होता है जहाँ दोनों झगड़ा करते हैं आपस में। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द सीक्वेंसेस, बट आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। एंड उसके साथ साथ एक और बहुत मेजर ड्रामा हो रहा है कि यहाँ सिमर नाचेगी और वहाँ प्रेम जो है राय बहादुर के साथ जुआ खेलेगा, और उसमें क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। तीज के दिन आप क्या करने वाले हैं रोली के लिए? क्या कुछ तीज के दिन रोली के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि उसका सिद्धांत वापस आ चुका है, इसलिए उसकी आँखों में मॉइस्चर है और मेरी भी आँखें मॉइस्चर, और इसलिए हम लोग मौका ढूंढ रहे हैं कि कभी किससे बात कर पाएं, इसलिए हम दोनों भाग के कोने में जाते हैं, वहाँ हमारा जो भी सीन होता है वो होता है। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, यस, रोली और सिद्धांत को आपस में अकेले में बात करने का मौका मिलने वाला है, सो इट्स अ बिग डील। तीज के दिन बस अभी तक प्रिपरेशन चालू है, अभी फंक्शन में वही होगा कि सिमर का डांस होना शुरू होगा और उसके बाद जो भी है मेजर ड्रामा शुरू होगा, जो वहाँ प्रेम और उसके जुआ का और इधर के जो इंटरकट्स में है, तो इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड ड्रामा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सिद्धांत के लिए सबसे स्पेशल चीज़ उसका परिवार है, उसकी रोली है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर हिम। अभी वापस आया है, अपने परिवार से मिला है, अभी तक भाई से नहीं मिल पाया, प्रेम से मिल नहीं पाया वो, लेकिन बाकी परिवार से मिला है, एंड उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोली जो इतने तरह वक्त रोली जो इतने वक्त से और पूरा परिवार जो इतने वक्त से परेशान था कि उनका सिद्धांत सामने होते हुए भी सामने नहीं है, तो अभी फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है, उनका सिद्धांत वापस आ गया उनके पास। सिद्धांत के लिए सबसे फेवरेट है सिद्धांत, आई थिंक उसके फेवरेट जो पहले जो टी शर्ट्स हुआ करते थे, चेक शर्ट्स एंड जीन्स वॉज द मोस्ट फेवरेट लुक, आई थिंक अभी तक मेरा सबसे फेवरेट वो लुक है, और फंक्शंस में यूजली कुर्ते वर्ते पहनाए जाते हैं, लेकिन आई थिंक इट गेट्स टू हैवी, सो दैट वॉज द मोस्ट कम्फर्टेबल लुक। मैं चाहूँगा कि रोली और सिद्धांत सेम हो, तो आई थिंक उससे ऑडियंस भी सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाते चेक शर्ट्स और रोली अपने साड़ीज में और ड्रेसेस में जो भी, आई थिंक इट मेक्स अ क्यूट कॉम्बिनेशन। There is a song which says, "Abhi abhi main Notting Hill dekh raha tha." There's a very cute song, "When you say nothing at all." जब जब भी सिद्धांत और रोली के बीच में सीन्स होते हैं, उन्हें बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
क्योंकि बोलते हैं तो साले झगड़ा करते हैं तो ऐसी अजीब केमिस्ट्री दोनों के बीच में. तो आई थिंक व्हेन यू से नथिंग एट ऑल फिट्स द सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो समय घर में किसी चीज़ की तैयारियाँ हो रही हैं. यू वांट टू डू इट लेटर. यू विल हैव टू टॉक. तीज का त्यौहार है और हम सब लोग यही चाह रहे थे कि हम लोग तीज मनाते हैं, लेकिन मौसी जी ने पूरा सब डेकोर किया हुआ है तो वो हमें मनाने नहीं दे रही थी. हमारे सारे गेस्ट को वापस भेजने वाले थे कि सडनली उन्होंने आके सबके सामने कह दिया कि हाँ हम तीज मना सकते हैं. तो कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब सा लगा है कि एकदम से ये पलटी दिखा दिया उन्होंने, इसके पीछे भी खोना बहुत ज़रूरी होगी. बट द गुड पार्ट इज़ कि हम लोग अभी तीज मना पा रहे हैं. हाँ वही वो मौसी जी हैं और अब जब सब कुछ उनके हाथों में आ गया तो वो पहले दिन से ही हमारे पीछे पड़ी हैं, तो आज जब उन्हें मौका मिला तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी. तो इसलिए वो हमें हर पॉसिबल ताना, हमें ही नहीं माता जी को भी मार रही हैं. इनफैक्ट माता जी को बहुत ज़्यादा वो टोंक मार रही हैं. तो हाँ आई थिंक ये इस तीज का सबसे बड़ा गिफ्ट है जो हमने हम सब ने मिलकर प्रे किया था कि भले ही हम तीज ना मना पाए पर कम से कम इस तीज पर रोली को उसका सुहाग वापस मिल जाए. वो हो गया. सबसे अच्छा मुझे हमेशा यही लगता है कि ड्रेस कोड हमेशा एनवायरनमेंट के हिसाब से पहना जाता है. अगर आप किसी इवनिंग पार्टी में जा रहे हो तो यू हैव टू बी ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू दैट. अगर कोई इंडियन ट्रेडिशनल पार्टी में जा रहे हो तो उसके हिसाब से. और मेरा हमेशा से एक ही बिलीव रहा है कि स्टाइल वही होता है जिसमें आप कंफर्टेबल रहो. कुछ भी ऐसा मत पहनिए जो ट्रेंडी है लेकिन जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो वो बिल्कुल भी आपका स्टाइलिश नहीं होगा. आई डोंट नो, मैं खुद ही प्रेम जी को ढूंढ रही हूँ. तो बार बार मन में भी हो जा रहा है कि प्रेम जी नहीं, प्रेम जी कहाँ गए, प्रेम जी कहाँ गए. तो मैं सिर्फ उन्हें ढूंढ ही रही हूँ. तो एंड आई एम श्योर कि वो वापस जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है वो सीधा राजवीर की कोई चुनौती स्वीकार करने गए हैं. तो हम लोग उसको लेके थोड़े से टेंस्ड हैं.